Hey gamers, sir, welcome back to another gameplay video of God of War 2. So last episode में हम पहुंच चुके थे इस जगह पे, हमने बारबेरियन किंग को निपटा दिया है और उससे हमें मिली है एक हथौड़ा जिसकी ज़्यादा कुछ खास तो मुझे लगती नहीं है, बट जो भी है गेम का फीचर है तो हम ले ही लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। और ये रही एक वाइंस, यहाँ से हमें आगे बढ़ना है और इन घुचड़ुओं को मुझे निपटाते हुए जाना है। ये ले, अरे किक तो ऐसे मार रहा है जैसे फुटबॉल है। ये ले, किक मारू, हगी मारू, हगी मारू। ये मेरा वेट कर रहा है कब इसको किक मारूं तब यहाँ से निकले। ओके तो, और अरे तू आने पे धरे ले। अरे तेरे को निपटाने में ज़्यादा मेरे को वक्त लगने वाला है नहीं, सो जस्ट चिल आउट ब्रो। ओ ए पकड़ में आ जा, ले 1, 2 एंड 3। नाइस, पूरा कपड़ा निपटा दिया। सामने देख रहे हो स्टैचू वगैरह है, हमको एक्चुअली वहीं जाना है। और इस पॉइंट से पहले मैं नीचे उतर लेता हूँ यार, यानी कि यहाँ पे एक टाइम पाउज वाली मूर्ति है। टाइम ट्रेवल बार बार क्यों बोल रहा हूँ, वैसे टाइम ट्रेवल मैं करने वाला हूँ। और देखो पिछले एपिसोड में आपने देखा था यहाँ पे ये बंदा था, इन लोग से लड़ रहा था, इसने अपना काम बखूबी कर लिया है, दो बंदों को निपटा लिया लेकिन तीसरे को नहीं निपटा पाया। और ये मैंने टाइम पॉज कर दिया है और ये मैं मुंह के बल गिरूंगा बच गया। सो ये एक और सीक्रेट चेस्ट है, चेस्ट नहीं यार ये तो सिर्फ हेल्थ है। सो कोई दिक्कत नहीं है, हेल्थ है तो ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे कुछ और सीक्रेट देखो, वहाँ पे एक देख रहे हो एक और यहाँ पे जगह है वहाँ जाने का, बट एक्चुअली अरे छोड़, अपना सर फोड़वाऊँगा मैं, बच गया। सो मैं ये कह रहा था वहाँ पे एक और जगह आपने देखा है, उस जगह पे सिर्फ एक रेड ओवर मिलता है, तो सिर्फ एक रेड ओवर के लिए मैं अपना माथा पच्ची नहीं करूँगा, मैं सीधा अपने जगह पे निकल लेता हूँ जहाँ पे मेरे को जाना है। और इन लोग को निपटाए बिना तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ नहीं, थोड़ा सा रेड ओवर भी दे दो, थैंक्स फॉर द रेड ओवर गाइस। देख रहो इतना ज़्यादा, अब सही है, मेरे को लगा मैं थोड़ा सा दिक्कत वाला काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे काम का चीज़ तो नहीं मिल रहा है। और ये रहा एक क्या बोलते हैं उसको, काम का चीज़ जो है, और यहाँ से हमें ये पेला पेलाई कर देना है और वहाँ पे आपको मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके यहाँ पे इसको पहले मेरे को सेट करना पड़ेगा सही से। सो काम कंप्लीट हो गया हमारा, हमने उसको पकड़ के उधर ले गया है और इस पूरे जगह को मुझे तोड़ा फोड़ी करना है और यहाँ से एक नया रास्ता बनाना है। सो गाइस आप रेडी हो जाओ, एक सबसे एपिक चीज यानी कि गॉड ऑफ वॉर, जितने भी गॉड ऑफ वॉर के फ्रेंचाइज है उसमें सबसे बढ़िया चीज आपको क्या लगती है। ऑनेस्टली मैं बताऊं तो मुझे सबसे बेहतरीन चीज गॉड ऑफ वॉर में एक ही चीज लगती है, अरे इसको तोड़ा फोड़ी करना है क्या। ओके हाँ, तो सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन चीज गॉड ऑफ वॉर की ये है कि वो है अटैक रिफ्लेक्शन। देखो ऐसे हम करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं इसको, जैसे ये किया और जस्ट एनिमी हमें मारने वाला रहेगा तो हम उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। यही चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगती है। और एक मिनी बॉस बैटल यहाँ पे होने वाला है और उसी इसको तोड़ देता हूँ, बाद में मेरे को ही दिक्कत देगा। ओके ट्रिपल ट्रायंगल सही है। और ये सामने वो देख रहा कुत्ता, वहाँ पे कुत्ता खा रहा है किसी को, उसके मुँह के अंदर हमको मिलने वाला है एक फाड़ू सी चीज़। कहाँ से जाने वाला हूँ यार, यहाँ से नहीं जाने वाला, एक्चुअली ये एक एग्जिट रास्ता है, मुझे इंटर इस रास्ते से होना है और यहाँ पे दो चार नागिनों से सामना होने वाला है। सो आ जाओ नागिन, मैं तैयार हूँ नागिन का बीन बजाने के लिए। ओके नहीं, यहाँ पे तो कुछ सीक्रेट चीज़ें भी मिल गई मुझे, चलो अब आए हैं तो ले लेते हैं, वैसे लेना क्या है, इसको लेना तो है ही है। अब देखते हैं यहाँ कहाँ मिलेगा, पोनिक्स मिल गया हमको सही है। और यहाँ से मेरे को तोड़म तोड़ाई क्या करना था यार, याद नहीं आ रहा। ओके मेरे को रास्ता याद नहीं आ रहा है, कहीं ये जड़ को तोड़ फोड़ के तो नहीं जाना है। ओके ये बंदा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, बोलो भैया क्या बात है। Jason has the fleece. You must save him.
place is the key to Medusa's temple. ओके, तो इस बंदे का कहना है, ओ वैसे अभी वो मारा नहीं है, सो बंदे का कहना है जेसन, ओ नो 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 नो, अरे इसने मुझे मूर्ति बना दी एक ही बार में, मतलब कि मैं ठपक जाऊंगा। ओके थोड़ा सा सेफ गेम खेलते हैं यहाँ से इसको, ये बूम। सो उस बंदे का कहना है कि जेसन नाम का कोई बंदा है, उसके पास मेडुसा टेम्पल जाने का की है, तो उस बंदे को हमको बचाना पड़ेगा ताकि वो की हम ले सके। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है उसको बचा पाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उसको शायद वो खा चुका होगा तब तक, क्योंकि इससे लड़ते लड़ते तो उतने ज़्यादा ही टाइम होने ही वाला है। और ये मरती क्यों नहीं यार, मर जा ना, मर जा तू। वैसे क्रेटोस का नाम थोड़ा सा खराब है उसके गुस्से की वजह से, बट ये ग्रेटोस तो बहुत ही उल्टा सीधा काम करने वाला है, इस बंदे को जिंदा ही टपकाने वाला है सिर्फ और सिर्फ रास्ता बनाने के लिए। और ये पिस गया, शेट। देखो अब ग्रेटोस को कई लोग एकदम बुरा इंसान भी कह सकते हैं, अपने रास्ते बनाने के चक्कर में वो सबको निपटा देता है, लेकिन क्या बोल सकते हैं हम, ग्रेटोस का नेचर ही कुछ ऐसा है। मैं थोड़ा सा हेल्थ पॉइंट लूँगा यार, क्योंकि मेरे को हेल्थ पॉइंट की ज़रूरत है, मेरे पास मैजिक ऑफर तो काफ़ी है और हेल्थ आधी हो रही है, इसलिए मैं पूरा ले लेता हूँ। वो देखो वो बंदे को खा रहा है, मेरे को लगता नहीं उसको बचा पाऊँगा मैं, वैसे मैंने गेम खेला है वो ऐसा भी नहीं बचने वाला है। देखो उसका हाथ खा गया, उसका पैर खा गया, भाई साहब देख रहे हो, अरे कुछ तो छोड़ दे, उसके हाथ में वो क्या बोलते हैं टेम्पल का चाबी भी है। ओके बीस्टी आई एम रेडी फॉर दैट, इतना बड़ा जानवर मेरे पास आ रहा है। ओके तू बिल्कुल शांत हो जा, तेरे को ऐसे मारूंगा जैसे कि तेरे को पता भी नहीं चलेगा दर्द बिल्कुल। ओके ओके ओके, मेरे को याद नहीं था यार। ओके ओके ओके, बाप रे, मैं पावर बदल लेता हूँ, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और ये ट्रिपल ट्रायंगल वाली शॉट कोई नहीं बचा सकता तेरे को, आ जा बीस्टी। तू मालूम था मेरे को यही छोड़ने वाला है, देख रहे हो, अगर मैं अपने हेल्थ नहीं लेता वहाँ से तो मैं यहाँ काफ़ी ज़्यादा टपक सकता था, इसका वो ब्लॉक भी नहीं होता ना। ओके ओके, हेल्थ मेरी बहुत सारा लूट लिया इस बंदे ने, आ जा मेरे राजा। एक अपना ब्लास्टर छोड़ने वाला है। ओके ओके ओके, आई ऑल रेडी। ओके तो इसने अपना हाथ, मेरा मतलब उस बंदे का हाथ खा लिया है, यानी कि अभी बीस्ट मोड में चालू हो गया है। ओके आ जा मेरे बंदे, मैं भी रेडी हूँ तेरे लिए। ये मारा बिजली, ओ गलती से उसके पास ही चला गया मैं, आ जा मेरे बीस्टी। अगर ये सामने देख रहे हो ना, इसको रिफ्लेक्ट करना बहुत आसान रहेगा। ओके ओके, कुछ ज़्यादा ही मार दिया। ओ नहीं 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 यार, मेरे को सोचना चाहिए था यार, मेरे पास ये भी है टाइटन पावर, अब तो हेल्थ बहुत कम हो गई है, अब तो मर गया। ओके इस बार मैं तैयार हूँ, तो दो शॉट्स ही मारता है। ओके ओके ओके, मैं एकदम रोल इवेट करते हुए, नाइस। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ इसको दो दो शॉट्स ऐसे लगाऊंगा। ओके ओके, शॉट्स का मतलब कुछ गलत मत समझ लेना, दो दो शॉट्स बस दो दो शॉट्स लगाऊंगा ताकि इसका हेल्थ भी कम होते रहे और मैं भी थोड़ा बचे रहूँ। ओके मेरे पास है, वैसे मैजिक पावर भी नहीं है कि मैं इसको पहना सकूँ, क्योंकि मैजिक पावर मैंने पूरा ही स्टार्टिंग में यूज़ कर लिया था। ओके ओके ओके, ऑलमोस्ट ये डाई होने वाला है, अब ये यहाँ से दौड़ते हुए आएगा। बच गया, मैं फायर पावर अभी झेल लें, जिन मतलब फायर पावर बच गया, भाई साहब डबल ए मामा मिया। काफ़ी ज़्यादा ये मेरे को मारने का ट्राई कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने इसका हेल्थ भी, बच गया, मर गया, पता नहीं क्या हो गया। ओके ओके ओके, मैंने कर दिखाया इसको, ऑलमोस्ट मैंने मोस्ट, क्या ये तो गया है यार, ये बंदा आई थिंक गया है, बस इसके मुंह से मेरे को अपना वो पावर, यानी कि वो क्या बोलते हैं, उसका चाबी निकालना है। मुझे लगा ओ बटन दबाने की ज़रूरत पड़ेगी, बट नहीं, अपना काम इसी से हो गया। और कितना फाड़ू दिख रहा है अपना हाथ, बिल्कुल नाइस। ओके मेरा सभी चीज़ फुल हो गया, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब इस चीज़ का डेमो मैं आपको अभी लगे हाथ दिखा देता हूँ। सो ये खुल गया चीज़। ओके ओके ओके, गलत तरीके से कर दिया।
ओके थोड़ा गलत कर दिया था, लेकिन इस बार ये देखो, ओ माय मॉम, यहाँ से आई थिंक ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ओके इस बार सही पोजीशन पकड़ लिया हूँ, कम ऑन, ये मारा और ये गया। देख रहे मेरी हेल्थ कितनी ज़्यादा कम हो गई, खाली दो शॉट्स मैंने खाए थे। तो ओके तो अब अपने को वापस जाना है, लेकिन उससे पहले इस नागिनों को मेरे को निपटाना है। अरे सबसे अच्छा तरीका मैं आपको इसका यूज़ करने का दिखाता हूँ, ये रहा। ये शॉट मेरे को सबसे बेस्ट लगता है। आहा कैसा लगा माय गर्ल, तुम्हारा तो हवा टाइट हो गया होगा। ये लो ये लो ये लो ये लो, इन लोग को मारना आप बिल्कुल ही बच्चों का खेल हो गया है। ओके ओके ओके, ये लोग तो एकदम आसानी से जा रहे हैं और ये खाया। और देख लो ये क्या बोलते, बोल्डर अटैक में मार रहा हूँ, ये मारा ये मारा मैं ये मारा, तुम लोग का इसी चीज़ का मेरे को इंतजार है। ये पकड़ा और ये, ओ नो 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 नो, मैं भूल गया था, अलग 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 चीज़ें आते हैं हर बार, मैं खाली वो दबा रहा था ट्रायंगल। ओ नो 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 नो, थोड़ा सा चूक, अरे मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, तो मैं इसको निपटाना ही पड़ेगा। ओके और मैं एक और सीक्रेट चीज़ मुझे याद आ गई है, तो मैं आपको लगे हाथ दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले वाला ब्लेड को मैंने तोड़ा और यहाँ पे एक और आई ऑफ कॉर्गन मिल गई। अब हमें जाना है उस जगह पे जहाँ पे बहुत सारे स्केलेटन हमने पहली बार देखा था, वहाँ पे रिफ्लेक्शन को उसका बैक करना है और उस गेट को हमें तोड़ना पड़ेगा। ओके तो ये जगह पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे कुछ सर्कल दबाना है। और ये गेट को मैंने देख रहा हूँ, उसका शक्ल देख रहे हो कैसे एकदम गुस्से में लाल पीला हो गया, बड़ा गुस्सा आ रहा है। हाँ तो यहाँ पे मैंने गेट तोड़ दिया और इस रास्ते से हमें जाना है मेडूसा के टेंपल पे और उसका हेड लेना है। वैसे उसका हेड लेना ज़रूरी तो नहीं है, बट वो हमारे काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है और इन बंदों को निपटाना बहुत ही ज़रूरी। देख रहे हेल्थ की मेरे पास इतनी ज़्यादा कमी थी और मैं, अरे रुक जाओ ये गेट, मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है, नहीं देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो गेट टूटने वाला है। और इन लोग को मैं निपटा देता हूँ क्योंकि ये लोग जो आगे चल के मेरे लिए ही मुसीबत खड़ी करेंगे। ओके ओके, इन लोग का ना डोज काफ़ी हैवी रहता है और ये बहुत ही प्यारा डोज मेरी तरफ से। और ये उछल उछल के चस्पू मेट, हाँ बूम, इन लोग को मारना वैसे इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा क्योंकि मेरे पास आ चुका है ये क्या बोलते हैं इसको रिफ्लेक्शन वाला पावर। और इसको वो सर्कल पकड़ के मारने में ज़्यादा ही मज़ा आता है। वो देखो उसके पास से टाइटन पावर मिल रहा है मेरे को, यानी कि टाइटन पावर अगर मेरे को चाहिए तो ये बंदे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं मेरे। और यहाँ से मैं नीचे उतर जाता हूँ कुछ ऐसे। ओके जिसका भी आवाज़ था उसका कहने का मतलब ये था कि तुमने किसी की मतलब अपनी फैमिली की हत्या कर दी तुम गुनहगार हो करके। ये बात तो सही है, लेकिन वो ये बात नहीं जानती कि जो भी हुआ था एरिस के वजह से हुआ था। और ये बंदे लोग, अरे इस लोग को तोड़ देना चाहिए यार मेरे को, फालतू के चीज़ें जो हैं ये, हाँ ये हुई ना बात, इस बंदे को मारने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, पता नहीं उसके हाथ में कान साफ करने वाला चीज़ लगता है यार, मैं हमेशा जब भी देखता हूँ ना कान साफ करने वाला चीज लगता है मेरे को। और देखो इन लोग का मारने का फ़ायदा ही फ़ायदा है, पहले मैं इन लोग से बहुत डरता था क्योंकि मेरे को रिफ्लेक्ट करना ठीक से आता नहीं था। वैसे मैं काफ़ी सालों बाद खेल रहा हूँ लेकिन अभी भी खेल के ना काफ़ी ज़्यादा मेरे हाथ में प्रैक्टिस है क्योंकि इस गेम को मैंने हार्ड से लेके वेरी हार्ड तक पूरा पार किया है। और ओके इस गेम का काफ़ी बड़ा मास्टर गलती से पड़ गया, ओए ओके ओके, थोड़ा सा चेप होना गलत बात है। और ये नाइस, इन लोग को ऐसे मारने में बहुत सही है। ओके ओके ओके, तो यहाँ से कुछ ऐसे पकड़ के बूम चिका बूम नाइस। और ये बूम, पता है ये मेरे को मार रहा है तो नुकसान एक्चुअली में इसी का हो रहा है, वो मेरे को मार रहा है और उसी को वापस से पकड़े जा रहा हूँ मैं। और ये इसको मारने का तरीका देखो, ये घुसाया और ये गया। अब इन बच्चों को मारना बड़ा ही आसान है,
चल आ जाओ, तुम्हारा ये क्या बोलते हैं इसको, बोल्डर गिरी शुरू करता हूँ मैं। ये इसको मारने का तरीका, ये बूम, ये तो एक बार में गया। और भी पैदा हो रहे हैं। हाँ फाइनली सभी बंदों को मैंने टपका दिया और यहाँ से थोड़ा बहुत पावर भी ले लेते हैं क्योंकि अभी आगे चल के हमारा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आई थिंक गेम थोड़ी सी लैग सी हो रही है जो भी है। और यहाँ पे रेड ओवर मिल गई सामने ही, वैसे सामने में वाली चीज़ में काफ़ी काफ़ी ही मिलती है और जब भी मिलते हैं ले लेनी चाहिए। ओके यहाँ से मेरे को यहाँ पे एक सीक्रेट चीज़ भी मैं दिखाता हूँ। खूंटा लेके चला गया बंदा, देख रहे हो, और उस खूंटे को उसे कि मैं घुसा घुसा के मारने वाला हूँ। पता नहीं किसका सैनिक है यार, मेरा सैनिक है किसका सैनिक है मेरे को पता नहीं है। और इसको मैं घुमा लेता हूँ पहले। और यहाँ पे एक और क्या बोलते हैं उसको, सीक्रेट चेस्ट है मैं जो आपको दिखाता हूँ। इस चिड़िया रानी को पहले मैं निपटा देता हूँ क्योंकि ये लोग काफ़ी ज़्यादा मेरे को परेशान करने वाले हैं। ओके चल आ जाओ फटाका मारने के लिए। और वाह ये काम तो एकदम आसान कर दिया। ये रहा देखो, इस बार मैंने डबल हिट किया। वैसे R1 ओ क्या बोलते हैं उसको, L1 डिब्बा जो है मैं ज़्यादा कर नहीं पाता हूँ, लेकिन इस बार अच्छा हिट मारा है। अरे चिड़िया रानी तो गई। कुछ ऐसे मैंने सेट कर दिया है ताकि इसके ऊपर चढ़ सकूं क्योंकि इस तरफ का खूंटा तो वैसे भी वो चुरा के ले गया है, पता नहीं उस खूंटे को कहाँ घुसाने वाला है अपने में। और आ जाओ छोरे, तुम्हारा इंतजार था। ओहो रिफ्लेक्शन देख रहे हो भाई साहब की, ये लेना ये शॉट्स खाने में तुम्हारे नानी। ओ माय गॉड देख रहे हो यार। और ये कौन खाएगा तुम्हारा चचा भैया। से तो मजाक मस्ती ख़त्म हो गई है, अब चलते हैं एक नागिन को सबक सिखा सब पता नहीं मैं क्या बोले जा रहा हूँ आज तो। नागिन को सबक सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। ये पजल यार मेरे को बहुत ज़्यादा मेरा इरिटेट करता है यार। अरे यार चढ़ ही जा। सो चलो अब क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से चलो चढ़ते हैं। तो पहले हमको यहाँ से कुछ ऐसे, वहाँ से हमको वो नागिन पुकार रही है कि आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। तो मैं भी बोल रहा हूँ आ रहा हूँ मैं, चिंता मत कर। ओके ओके ओके, ये ज़्यादा ही मेरी हेल्थ खाती है, थोड़ा सा डैमेज देती नहीं मेरा मतलब थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे देती है। ओके आई एम रेडी, इस बार मैं तैयार हूँ। वैसे गेम लैग करने का फ़ायदा भी है यार देख रहे हो। ओके निपट गया, इस बार सही सलामत मैं ऊपर से नीचे आ गया हूँ, लेकिन मेरी हेल्थ थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि अभी हम एक बॉस फाइट फिर से लेने वाले हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा बॉस फाइट इतनी जल्दी जल्दी आ रही है यार इस बार। और यहाँ से मुझे गेट खोलते हुए बहुत ही ज़्यादा रिस्की वाला काम करना है, तो पहले यहाँ से खोल लेता हूँ। अब जल्दी से मेरे को इस तरफ जाना है और इस लीवर को मेरे को खींचना पड़ेगा। ये रहा ओके 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 ओके, लगता है मैंने काफ़ी ज़्यादा देर कर दी, लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट। यहाँ पे मेरे को इस गेट को जल्दी से जल्दी और खोलना पड़ेगा। जल्दी खोले 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 क्रेटोस, खोले 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 खोले। ओके नाइस पहुँच गया। क्या बात है, आज जा नागिन, नागो की अग्नि परीक्षा, नागिन का हम काम निपटाने वाले हैं, निपट ले तू। वैसे वो एक सिपाही था, उसको मारने इतना ज़रूरी भी नहीं था। वट मी सर रिमेन, आई नो आई डैट नॉट रीच द सिस्टर्स। तो ये अच्छा वही तरीका लिखा है सिस्टर्स को पहुँचते कैसे हैं उसको बारे में इतिहास में, बट ग्रेटर्स कह रहे हैं मैं उसके बारे में ऑलरेडी जानता हूँ। ओके तो ये मोटी नागिन नहीं बोलना चाहिए। ओके 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 मेरे को याद है इसको निपटाते कैसे हैं। ओके तो ये आ गई है नागिन का परीक्षा लेने के लिए। और ओके ओके नहीं नहीं यार इस बार मैं काफ़ी ज़्यादा मार खा रहा हूँ इस बार क्या, वैसे ये तो फर्स्ट अटैम्प्ट है मेरा। ओके यहाँ से मैं इसका पैटर्न को समझने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये मारेगी, अच्छा दो बार मेरे को इवेट करना है बारी बारी से, एक हेडबट देगी। ओके 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 ओके, इसको हेडबट देते ही ये मार दो ताकि मेरे हेडबट थोड़ा सा वो राहत मिल सके। ओके इस बार तो मैंने अच्छा डैमेज दे दिया है। ओके एक और पूछ मारेगी आई थिंक। ओके तो अब आ गई है इसकी बारी यहाँ पे निपटने की, और ये ट्रिपल ट्रायंगल इसको ये से मारूंगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरे को डैमेज पहुँच रही है। अच्छा इसको वो रिफ्लेक्ट में कर सकता हूँ आई थिंक, ट्राई मारता हूँ। नहीं 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 यार रिफ्लेक्ट में नहीं कर सकता हूँ, एक आइडिया मेरे पास, ये अच्छा इसके पूछ को मैं वो कर सकता हूँ।
काफी भर भर के मैं पावर यूज कर रहा हूँ ताकि ये मार सकता हूँ मैं। अच्छा आप पकड़ में आई बेबी। हाँ ये पकड़ा और ये तेरे को निपटा दिया। अरे मैं क्या उल्टा एरो घुमा रहा हूँ शायद, नहीं उल्टा नहीं सीधा एरो था, पता नहीं मेरे को एरो कुछ समझ में नहीं आ रहा था जैसा पैर वैसे मैं घुमाया जा रहा था। और इसको निपटने का तरीका यही है ना। और ये फिर से एक पावर अपनी छोड़ने वाली, तो यहाँ से पूरी बिजली पावर मैं इसको दे देने वाला हूँ। थोड़ा सा मैं जम सकता हूँ लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और ये टाइटन पावर मैंने मारना शुरू कर दिया और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी मूव्स इसने मेरे को टपका दिया है, चिपका दिया है। ओके फिर से आएगी, फिर से मार खाएगी तू। ये ले ये एक सीक्रेट पावर मेरा। ओके ओके ओके, इस बार फोकट में मैंने बिजली यूज़ कर दी थी, बिजली यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी बट मैंने फिर भी यूज़ कर दी। ओके इससे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि ये कूदने वाली है नहीं फिलहाल। ओके तो इसका सेकेंड वाला खूटा भी गया। अरे पकड़ लिए, इससे पहले स्टन थोड़ा रुक जाए। तो इसको मैंने पकड़ लिया है और एक और खूटे वाली शॉट मारा और मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ वगैरह जो भी है। ओके ओके ओके, ये तो कुछ ज़्यादा ही डैमेज दे रही यार, इस बार तो पगला गई है ये। और यहाँ से निपटते जा, काफ़ी दूरी बना के खेल रहा हूँ इस बार ताकि मैं उसके चंगुल में ना आऊँ। ओके इस चीज़ को मैं रिफ्लेक्ट तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन बस बच ही सकता हूँ, तो ठीक है मैं बचने की ट्राई मारता हूँ। देख रहा हूँ कितना ज़्यादा मेरा पीछा कर करके उसकी जो पावर है मार रहा है। ये ले खा ले थोड़ा सा जलेबी भाई। ओके 1 2 3 4 पता नहीं कितने हैं। अच्छा हुआ भाई, इससे बचने का तरीका तो कुछ है नहीं, खाली वेट बस होते जाना। वो देखो अबे सांप 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 जैसा पीछा कर दिए। मेडूसा नाम है इसका, मतलब क्या सभी चीज़ें सांप वाली हरकतें करोगी? हाँ रात के 12 बजे सांप सांप का नाम नहीं लेना चाहिए यार, एक तो वैसे भी अभी बारिश का दिन है हो गया है। ओके तो ये काफ़ी अच्छा मूव था तेरा लेकिन मैंने बचने में कामयाबी हासिल कर ली। अबे यार इसके लास्ट वाले का मैं क्या करूं भाई, इतने ज़ोर से जो छोड़ती है। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, इस बार तो अच्छी बिजली खाई है और आई थिंक ऑलमोस्ट वो स्टन हो गई है। थोड़ा पास आने का मैं मौका दे रहा हूं ताकि मेरा जो पावर है जो मैंने थोड़ा सा वेस्ट कर डाला था। अरे लास्ट वाले का मैं क्या करूं यार, हर हमेशा से। ओके ओके बिल्कुल नागिन वाली हरकत कर रही है, नागिन है तो। ओके पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया। अब ये हुई ना बात, अब इस बार बटन वटन गलत मैं दबाऊंगा नहीं, वैसे ये तो पहली बार पकड़ा हूं मैं। ओके तो तैयार है। और इसका क्या देख रहा हूँ, होंठ को पकड़ के उसके गर्दन को मैंने उड़ा दिया और ये हो गई हमारी मेडुसा की मुंडी हमारी। और इससे करेंगे दोस्तों की दुश्मनों की नल्ली निहारी। तो इसको थोड़ा सा टेस्टिंग भी मान लेते हैं और क्योंकि मेरे पास तो अनलिमिटेड है फिलहाल। ओके तो यहाँ पे बटन वगैरह दिखा रहे हैं और ये पकड़ा और ये 1 2 एंड 3। ओके अब ये यहाँ से क्या करते हैं। अच्छा मेरे पास ऐसे कुछ खास पावर है नहीं, ठीक है। ये यहाँ से ऐसे, ये मूर्ति भी टूट गई, ये हुई ना बात। तो इसको अभी यूज़ करने का सही तरीका L1 और O है फिलहाल, ये मेरे पास L1 और O है नहीं है, तो मैं ऐसे ही काम अपना निपटाने वाला हूँ। और तू यहाँ से निकल ले, तेरा कुछ काम धंधा है नहीं। और वो तो गायब ही हो गया भाई साहब। ओके आ जा, तेरे को भी एक बार जो चुम्मी दे ही देता हूँ पत्थर वाली चीज़ की। 1 2 एंड गो। आ जा मेरे बंधु, तू भी ले ले थोड़ा सा प्रसाद, मेडुसा वाला प्रसाद सभी को चाहिए। सब क्लियर? ओके तो गेट वगैरह भी खोल दो। तो ये वाला पजल सॉल्व करने के बाद एक और पजल आ गया हमारे सामने। हाँ जी, तो गाइस अगला एपिसोड में हम इस और पजल सॉल्विंग चीज़ को सॉल्व करेंगे। और आपको वो गेट याद होगी जहाँ पे हम एक बंदे को मारा था, नंगा बाबा को जो पहली बार आया था, सो हमें वहीं पे जाना है ये पजल सॉल्व करते हुए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, तब तक ले पीस आउट।